हेलो गाइस, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। गाइस, आज की जो मेरी ये वीडियो है वो राजनीति के आसमान के उस सितारे की है जो कई वर्षों से चमक रहा था और आज वह सितारा टूट गया। मैं उस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सोमनाथ चटर्जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। 3 दशक से ज़्यादा समय तक सियासी पिच पर अपना लोहा मनवाने वाले सोमनाथ चटर्जी के कद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने सालों में वे सिर्फ एक बार चुनाव हारे। 10 बार सांसद चुने गए थे सोमनाथ चटर्जी। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज अमन ओरक। यदि आपको मेरी इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है er.olakhaman88@gmail.com। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, बालाजी एजुकेशन पॉइंट। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सोमनाथ चटर्जी का जन्म 25 जुलाई 1929 को हुआ था। जगह थी तेजपुर। इनकी पत्नी का नाम रेणु चटर्जी है। इनका निवास स्थान कोलकाता है और प्रोफेशन जो है एक वकील थे। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का दिन सोमवार 13 अगस्त सुबह यहाँ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उनको रविवार को दिल का हल्का दौरा भी पड़ा था जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और फिर सोमवार की सुबह 8:15 बजे सुबह उनका देहांत हो गया। कुछ समय पहले मस्तिष्क में रक्त बहाव हुआ था जिस कारण पिछले 40 दिन से उनका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार के चलते उन्हें 3 दिन के लिए अस्पताल से छुट्टी भी दी गई थी। अधिकारी ने बताया कि पिछले मंगलवार उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमनाथ चटर्जी एक कट्टर हिंदू परिवार में पैदा हुए। उनके पिता एक प्रमुख वकील थे। निर्मल चंद चटर्जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे और एक बार इसके अध्यक्ष भी रहे। 1948 में जब इनके पार्टी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तब उस समय निर्मल चंद चटर्जी ने अखिल भारतीय सिविल लिबर्टी संघ का गठन किया और उनकी रिहाई के लिए आंदोलन किया था। सोमनाथ चटर्जी की पढ़ाई लिखाई कोलकाता और ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन से लौटने के बाद उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की। इसी दौरान उनकी राजनीति में दिलचस्पी जागी। 1968 में उन्होंने CPM का दामन थाम लिया। गए सोमनाथ चटर्जी 1968 से लेकर 2008 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। 1971 में उनके पिता की मौत के कारण चुनाव लड़ने के लिए उन्हें नामित किया गया था। वह 1971 में लोकसभा के सदस्य बने और CPIM द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुने भी गए। इसके बाद उन्हें 1984 में जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ममता बनर्जी से हारने के बाद 9 बार फिर से निर्वाचित किया गया। 1989 से 2004 तक वह लोकसभा में उनकी पार्टी के नेता रहे। वह 2004 में 10वें स्थान के लिए बोलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए जिसे CPIM गढ़ माना जाता है। 2004 में चुनाव के बाद उन्हें प्रो टेम स्पीकर नियुक्त किया गया और बाद में 4 जून 2004 को उन्हें सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए गणेश वासुदेव मवलंकर के बाद वह दूसरे समर्थक अध्यक्ष थे। गया एक लिस्ट दी हुई है जिसमें लोकसभा के सभी प्रीवियस स्पीकर दिए हुए हैं। यह GV मावलंकर हैं जो हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर थे और यह है सोमनाथ चटर्जी। आप देख सकते हैं इनका कार्यकाल 4 जून 2004 से लेकर 31 मई 2009 तक था। सोमनाथ चटर्जी को 2008 में पार्टी से निकाल दिया गया था। सिद्धांतों की राजनीति करने वाले सोमनाथ चटर्जी जिस पार्टी के संसदीय दल के 1.5 दशक तक नेता रहे उस पार्टी की वजह से उन्हें अपनी सियासत के आखिरी दिनों में दुखी होना पड़ा था। दरअसल वर्ष 2008 में UPA की सरकार अमेरिका से परमाणु समझौते कर रही थी और सोमनाथ चटर्जी की अपनी पार्टी इसका पूरा विरोध कर रही थी। बात नहीं बनी तो CPM ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सोमनाथ चटर्जी को भी स्पीकर के पद से हटने को कहा। तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बाद में जब मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब भी सोमनाथ चटर्जी ने
पार्टी लाइन से अलग हटकर सरकार के खिलाफ वोट ना किया। इससे नाराज होकर पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगले ही वर्ष सोमनाथ चटर्जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया। चटर्जी के अनुसार पार्टी से निकाले जाना उनके जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक बुरा दिन था। गैस पॉलिटिक्स को अलविदा कहने का एक रीज़न यह भी था कि बोलपुर का उनका निर्वाचन क्षेत्र पहले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, जिसका अर्थ है कि वह अगले चुनाव में सीट लड़ने में असमर्थ थे। उन्होंने CPIM से निष्कासन के बाद अगस्त 2008 में घोषणा की कि वह 2009 में अगले चुनाव के समय राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे। गए सोमनाथ चटर्जी राजनीति के बहुत बड़े दिग्गज थे, इसलिए 1996 में उन्हें उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से नवाजा गया। चटर्जी जी पॉलिटिक्स में पारदर्शिता के हमायती थे। जब वे 14वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए तो उन्होंने सबसे पहला कदम जो उठाया था वह था सरकारी खर्चे पर सांसदों के चाय पानी पर पाबंदी। हालांकि उनके इस फैसले का काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह ना की और इससे भी एक कदम आगे गए और सांसदों के विदेश दौरे पर उनके परिवार का खर्च उन्हें खुद उठाने के लिए दबाव डाला। गाइस 2005 में सोमनाथ चटर्जी अपने ही एक बयान के कारण विवाद में फंस गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय झारखंड विधानसभा की कार्रवाई पर आदेश जारी करके विधानमंडल के अधिकार पर प्रहार कर रहा था। इस टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग भी की, क्योंकि वह एक चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे थे। वह शांति निकेतन श्रीनितन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन थे। उन्होंने इसके तर्क में कहा, क्योंकि उनको इस कार्यालय से कोई लाभ तो प्राप्त हो नहीं रहा, इसलिए विपक्ष की यह मांग बिल्कुल निराधार है, इस मांग का कोई आधार नहीं है। सोमनाथ चटर्जी राजनीति के मैदान में एक योद्धा थे। उनके देहांत पर अनेक फेमस पॉलिटिशियन ने दुख व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया कि श्री सोमनाथ चटर्जी भारतीय राजनीति के दिग्गज थे। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध किया तथा वे गरीबे व कुचले लोगों के कल्याण हेतु सशक्त आवाज बने रहे। उनके निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार तथा समर्थकों के साथ हैं। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे एक भारी क्षति बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं सोमनाथ दा के निधन पर दुखी हूँ। उनके परिवार और चाहने वालों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। यह हमारे लिए एक भारी क्षति है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके निधन पर शोक जताया और उन्हें अपने आप में एक संस्थान बताते हुए उनकी बहुत तारीफ की, जिनका सभी सांसद बहुत सम्मान करते थे, और उनके परिवार के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट की। गैज यह एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें पश्चिमी बंगाल में स्थित राजनीतिक पार्टीज के फाउंडिंग ईयर दिए हुए हैं, उनके सभी के नाम दिए हुए हैं और उनके पार्टी के फाउंडर और प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ है। आप एक बार यह चार्ट देख सकते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।